नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ हुआ, और चर्चा करेंगे झांसी की, जहां युगांडा के प्रतिनिधि मंडल ने देखी भड़ोखर हवेली। आगे चर्चा करेंगे कासगंज की, जहाँ विकास यादव हमारे मित्र परतापुर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया में आज जन जागृति सेवा समिति रजिस्टर एनजीओ ने महामाई परिसर में हर वर्ष की भांति 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी राम सुमेर सिंह एवं दिबियापुर नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा ने फीता काट कर किया। आयकर निरीक्षक नवीन दुबे ने माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में संरक्षक अवधेश शुक्ला, प्रदेश सचिव सुमन चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष ममता, ब्लॉक अध्यक्ष चित्रा ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। महिला प्रकोष्ठ राम युवा सेना श्रद्धा मनु चौहान ने मार्गदर्शन दिया। शिविर में विजय कुमार पति सहित कई लोग उपस्थित रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसील टहरौली अंतर्गत ग्राम भड़ोखर में एक रिसेट द्वारा बनाई संरचना का निरीक्षण किया। यहां राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने प्रतिनिधिमंडल को बुके देकर सम्मानित किया। डॉक्टर एमएल जाट, रिसर्च प्रोग्राम डायरेक्टर एवं डॉक्टर रमेश सिंह, डेवलपमेंट हेड ने प्रतिनिधिमंडल को योजना के क्रियान्वयन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। हरगोविंद कुशवाहा ने युगांडा के अधिकारियों को बताया कि बुंदेलखंड को पानी की कमी के कारण जाना जाता रहा, और हमारे यहाँ की महिलाओं को गर्मियों एवं सूखा के वर्षों में 4 से 5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब एक रिसेट के कार्यों से एक उम्मीद जगी है कि यदि इस परियोजना का पूरे बुंदेलखंड में क्रियान्वयन हो जाए तो बुंदेलखंड से सूखे का कलंक मिटाया जा सकता है। यात्रा के पीछे युगांडा के अधिकारियों का उद्देश्य इस प्रकार के जल संरक्षण के क्रियाकलापों को अपने देश में करना है। कुमुमान्या बेंजामिन, परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में ओकान्या बेनिफेस, अलुन्यू डेनिस, सिरारी डेविड आदि शामिल रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां जनपद कासगंज में हमारे साथी विकास यादव परतापुर प्रधान संजय यादव के छोटे भाई का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। विकास यादव पत्रकार भी रहे हैं। उनके जन्मदिन पर आरिफ प्रतिनिधि अध्यक्ष चेयरमैन आमापुर चरण सिंह यादव, सपा नेता हरिओम वर्मा, धन सिंह राजपूत प्रधान, मुकेश पत्रकार, मानपाल यादव पत्रकार, राधेश्याम यादव पत्रकार, बबलू यादव पत्रकार, रोम सिंह उद्योगपति, गौरव मिश्रा जिला उपाध्यक्ष, सपा राजकुमार जिला प्रवक्ता, सपा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जनपद प्रयागराज के हंडिया थाने में मिशन शक्ति के तहत एक अनोखा प्रयोग हुआ। इंटर की छात्रा खुशबू विश्वकर्मा को एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान उन्होंने थाने में आए हुए लोगों की फरियाद सुनी और उनका निस्तारण किया। खुशबू विश्वकर्मा ऋषिपुर की निवासी हैं और हंडिया थाना क्षेत्र में आती हैं। कोतवाल ब्रजकिशोर गौतम की देखरेख में उन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया। एक महिला ने अपनी लापता बेटी के बारे में बताया, जिस पर खुशबू ने तुरंत कार्रवाई की और रिपोर्ट दर्ज की। इस अवसर पर थाने के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। खुशबू के परिजनों ने भी उनके इस प्रयास की प्रशंसा की। क्या नाम है आपका? खुशबू विश्वकर्मा। और आज आपको एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया, कैसा लग रहा है आपको? एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के पुलिस अफसर बनना चाहते हैं, लोगों की न्याय करना। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? इंटर। तो आपके सामने आज कई समस्याएं आए, कई लोग आए आपके पास समस्या लेके, आपने इसका निस्तारण कैसे करा? मैंने लोगों की समस्याएं सुना, समझा और उनके निस्तारण के लिए पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिया। उनमें से एक महिला आई थी, उनकी बेटी गुम हो गई है, उसके लिए मैंने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा है। वहीं फूलपुर विधानसभा से रहे प्रवीण पटेल लोकसभा में सांसद चुने जाने पर फूलपुर विधानसभा की सीट खाली हो जाने पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी पर पुनः भरोसा जताया।
तथा भरोसा जताते हुए मुस्तफ़ा सिद्दीकी को फूलपुर विधानसभा से टिकट भी देकर घोषित कर दिया। वहीं गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव से सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के आवास पर पहुंचकर मुस्तफ़ा सिद्दीकी के टिकट का विरोध किया। अल्पसंख्यकों की सपा राष्ट्रीय महासचिव के आवास पर सपा प्रत्याशी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।